यूजुअली मेन में या फिर पुरुषों में कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है. तो जैसे कि बच्चों में हो सकता है VUR जैसे रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो, या फिर पुरुषों में हो सकता है. हाय, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन इन दिल्ली NCR. I'm from the first batch of qualified infectious diseases specialist with specialization in treating infections like fever, TB, HIV and complicated infections. और आज हम urine infections के बारे में थोड़ी बात करेंगे. तो urine infections अगर पुरुषों में होता है तो फिर ये क्यों होता है, इसके क्या symptoms होते हैं, इसको कैसे treat किया जा सकता है. तो ये बच्चों या फिर बॉयज में हो सकता है, या फिर यूजुअली अगर मेन में होता है तो फिर इसके कोई कारण होता है, जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे प्रोस्टेट हो गया, या फिर किडनी स्टोन्स हो गए, या फिर कोई यूरोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तब ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं यूरिन में. तो यूरिन के इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो किसी को अगर जलन हो रही है, जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, या फिर वो पेशाब को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन के. इसके अलावा फीवर आना, या फिर बैक एक आना, या फिर अगर बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, या फिर जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनमें कई बार ये सिम्टम्स होते ही नहीं है, बस उनमें ऑल्टर्ड सेंसोरियम, या फिर उनका सेंसोरियम थोड़ा सा नीचे चला जाए, या फिर बेहोश हो जाए, ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन के कारण हो सकता है. तो इसको हमें यूरिन इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है. माइल्ड इन्फेक्शन तब होता है जब ब्लैडर का ही इन्फेक्शन हो, और सीवियर इन्फेक्शन तब होता है जब किडनी में इन्फेक्शन पहुंच जाए. तो जब किडनी में इन्फेक्शन पहुंचता है तो वो बहुत सीरियस इन्फेक्शन का रूप ले सकता है, और जब भी यूरिन इन्फेक्शन हो तो उसमें अर्ली अप्रोप्रिएट थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है. और एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या इन्वेस्टिगेशंस किस तरीके से प्रॉपरली भेजें. तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए हमें यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर मिडस्ट्रीम सैंपल देना होता है. और ये मिडस्ट्रीम सैंपल का मतलब ये है कि शुरू का सैंपल डिस्कार्ड किया जाए और बीच का सैंपल कलेक्ट किया जाए. फिर ये जब हम एक स्टेराइल कंटेनर में इसको लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोर्ट लैबोरेटरी में क्विकली होना चाहिए ताकि हम कंटामिनेशन को रोक सके. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूरिन इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, मिडस्ट्रीम सैंपल, और इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड किडनी का, यूरेटर, ब्लैडर, या फिर एक्सरे, या फिर कुछ एडवांस केसेस या सीरियस केसेस में इवन सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है. अगर यूरिन इन्फेक्शन आपको यूरिन इन्फेक्शन की संभावना है, तो फिर हमें ये देखना है कि हम एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली दें, और दूसरा एंटीबायोटिक्स का डोज और ड्यूरेशन भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि ये यूरिन इन्फेक्शन बार बार ना हो. यूजुअली मेन में या फिर पुरुषों में कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है. तो जैसे कि बच्चों में हो सकता है VUR जैसे रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो, या फिर पुरुषों में हो सकता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, या फिर यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम हो जैसे स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, या फिर किडनी स्टोन्स, या फिर कोई स्ट्रिक्चर यूरेटर में हो, जिसकी वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए फिर एक अप्रोप्रिएट सर्जन या फिर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एक इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन से या फिर एक अनुभवी क्लिनिशियन से आप संपर्क कर सकते हैं. बहुत ज़रूरी है कि अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दिया जाए ताकि इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो सके. थैंक यू.